हमारा नादी इतना परेशान कर दिया यार, इसने अभी स्टार्टिंग ही हुई है, स्टार्टिंग भी नहीं हुई है और ये देखिए इतना परेशान कर रहा है। क्रूज रहेगा जो कि हमें पहुंचाएगा हैवलॉक सीधे, और आप सब और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ओनी धीरज व्लॉग्स में। तो हम लोग कर रहे हैं फाइनली पैकिंग और एक छोटा सा वेकेशन हम लोगों का ट्रिप है। वैसे अभी ट्रिप का कोई प्लान नहीं था बट हो गया है ये, तो बस मैं ये पैकिंग कर रही हूँ। हम लोग अभी जा रहे हैं फाइनली अंडमान एंड निकोबार और 3 डेज़ का हम लोग का है ट्रिप। तो वहाँ के हिसाब से बस ये, क्योंकि वहाँ तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल चेंज रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा गर्मी वगैरह रहेगी, बीच एरिया है वो, तो उस टाइप के हम लोगों ने ये आउटफिट्स वगैरह ले लिए हैं, ये 2-3 ड्रेसेस वगैरह ले लिए हैं इस तरीके की, श्रब्स वगैरह कवर अप वगैरह वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा क्योंकि टैनिंग वगैरह ख़तरनाक वाली होती है, सनलाइट इतनी ज़्यादा रहती है। तो फिर ये बस वो सब रख लिया है, और बच्चों के भी हमको एक्स्ट्रा ले जाने पड़ेंगे क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कपड़े गंदे भी करते हैं। तो और ये देखिए मैंने ये मंगाए थे स्टॉल्स अमेजन से, तो ये देखिए कितने अच्छे इसके कलर्स आए। तो ये मेरे 5 स्टॉल्स आ गए, इसमें 5 नहीं है 6 स्टॉल्स आ गए। काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा था दोस्तों अमेजन पे, तो हमने सारी शॉपिंग अमेजन से की है। और बाकी हम लोगों के साथ में एक्चुअली 2 फैमिलीज़ और जा रही हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं तो उन लोगों की भी फैमिली है, सबके 2-2 बच्चे हैं, सारे बच्चे अपने मस्ती करेंगे। बस ये हो गए मेरे स्टॉल्स वगैरह, एक बैग में तो सामान नहीं आ पाएगा। हाँ 2 बैग करने पड़ेंगे। हम लोग सोच रहे थे पहले कि हमारा एक बैग में ही सामान आ जाए, बट ये मुश्किल है एक बैग में तो आना, तो फिर इसलिए हमको 2 बैग करने पड़ेंगे। बाकी क्या है यार, बाकी अपने शूज़ वगैरह, वहाँ पे शूज़ वगैरह ले जाना है, सनग्लासेस और क्या लगता है सनस्क्रीन वगैरह लगती है, हैट वगैरह हो गई, बस यही सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी रहती है, क्या क्या रहता है। और बाकी आप अपना है ना मॉस्किटो वगैरह, सुना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो वो सब आप रख लीजिए आप भी जब भी रहे तो, ओडोमोस वगैरह रोल ऑन वगैरह बच्चों के हिसाब से वो रख लें। बच्चों की खाने पीने की चीज़ें मैंने अलग ही रखी हैं, नादी का वो अलग ही एक सैरेलेक वगैरह बनाया है। सो फ्रेंड्स देखिए इस तरीके की आप वहाँ पर बीच एरिया में लाइट कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इस टाइप के आप ले लीजिए जब भी आप लोग भी जाएँ, तो ये इस तरीके के हो जाएंगे आपके स्टॉल्स वगैरह रखिएगा। बाकी एक स्किन केयर जो भी आपका लगता है, मॉइस्चराइज़र फेस वॉश वगैरह वो सब ज़रूरी है, तो वो सब ये मैंने अभी रख लिया है, अभी तो ऐसे ही रखा है, इसको अभी एक पाउच में रखेंगे अच्छी तरीके से। और एक चीज़ ये देखिए, ये हम लोगों ने एक्चुअली ये देखिए प्रिंट करवाई थी फ्रेंड्स ट्रिप की, तो ये एक टी शर्ट है, तो ये जितने भी हम लोग सब जा रहे हैं ग्रुप, तो पूरा ग्रुप इसी कलर की टी शर्ट में सेम यही रहेगा। बच्चों के भी हमने सेम ऐसे ही प्रिंट करवाया है, तो एक ये हो गया हमारा 3 डेज़ का था, तो 3 डेज़ से ज़्यादा ही आउटफिट हो रहे हैं क्योंकि फिर वहाँ पे पानी वानी भी है, कई बार हो जाते हैं गीले वगैरह कपड़े, वो ट्राउज़र वगैरह रख लें थोड़ा कम्फर्टेबल रहता है, ठीक है। और क्या है, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप, जो कि अभी मैंने कुछ भी नहीं रखा है, ज़्यादा मेकअप तो करते नहीं है, बट हल्का फुल्का टचअप के लिए वो सब रख लें आप अपना। और खाने के लिए हम लोग थोड़ा सा ड्राई स्नैक्स वगैरह ले जाएंगे क्योंकि रास्ते में बीच बीच में थोड़ा बहुत तो भूख लगती है, और बच्चों के हिसाब से तो रखना भी पड़ेगा, तो ड्राई स्नैक्स आप लोग रख लीजिए, अंडरगारमेंट्स वगैरह ज़्यादा ही रख लीजिएगा, थोड़ा सा 2-3 एक्स्ट्रा ही वो हो ही जाता है। बाकी आप एक डेंटल किट रखिएगा, और क्या होता है टॉयलेट्रीज होती हैं वो सब रखिएगा अपने पास में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं जो कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है क्योंकि वहाँ पे होती है ख़तरनाक वाली टैनिंग। और सनग्लासेस कवर अप्स और श्रग्स स्टॉल्स ये सब तो रखना ही रखना है भाई, और कुछ इस तरीके की भी ड्रेसेस रख लें, मतलब अच्छी लगती है आउटफिट्स इस तरीके की। ये देखिए मैंने लिया था सब अमेजन से ही लिया था, तो इस टाइप की भी अच्छी लगेंगी, फ्लोरल टाइप की हैं और लाइट कलर की हैं, तो लाइट कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे एरिया में, तो ये सब हो गई हैं। बाकी 1-2 स्लीपर्स फ्लोटर्स वगैरह ये सब बहुत ज़रूरी है, तो ये सब रख लीजिएगा एक्स्ट्रा एक,
तो हम लोगों के देखिए दो पैक हो गए, हम सोच रहे थे एक बैग में हम लोगों का आ जाएगा बट एक बैग में पॉसिबल नहीं है तो दो बैग तो ज़रूरी हैं। सो दोस्तों हम लोगों की अभी आधी पैकिंग हुई है, अभी भी थोड़ी थोड़ी सी जो ऊपर ऊपर का सामान होता है वो सब पैक करना अभी थोड़ा बाकी है क्योंकि बच्चों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें ले जानी पड़ती हैं यार। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट तक, थोड़ा ड्राई स्नैक्स वगैरह नाश्ता वगैरह लेना था तो वो लेने जा रहे हैं हम लोग ओम के नमकीन पर। उनके नाश्ता अच्छा रहता है काफ़ी। और त्यारा को स्कूल से लेंगे नीचे और बस त्यारा को लेकर हम सीधे निकल जाएंगे, फिर नाश्ता लेकर घर आकर फिर वो नाश्ता भी हमें पैक करना है, है ना दादी? दादी के लिए भी थोड़े थोड़े से सामान लेना है, दादी का भी हमने थोड़ा खाने का पैक किया है क्योंकि पता नहीं वहाँ बच्चों के लिए कैसा क्या कुछ मिलेगा कि नहीं। तो बस अभी यार ये पैकिंग ही बहुत है यार, बच्चों के साथ में डबल पैकिंग हो जाती है सीरियसली। बस फिर निकलेंगे हम लोग 7 बजे क्योंकि 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुंचना है और 10 बजे की फ्लाइट है। तो फटाफट से पराठे वराठे बनवाएंगे, दीदी से पैक वैक करेंगे, चाय नाश्ता करेंगे और निकल जाएंगे। अभी त्यारा आई नहीं है, बस अभी उसका वेट कर। आ गई आ गई आ गई। त्यारा को मैंने बोल रखा है कि त्यारा यहाँ पे आप मम्मा को देखते रहा करो, वो देखो देख रही है ना ऊपर मम्मा को, ये देखो। ये देखो सुनी नहीं रही है, वो देखो ऊपर देख रही है, उसको मैंने बोला स्लो स्लोली, अरे गिर जाओगे गिर जाओगे गिर। इतना हैवी बैग रहता है यार बच्चों का सच में, है ना? पूरी खोली थी। अच्छा, अरे बाप रे। बढ़िया हो गया इंदौर है। यार एयरपोर्ट पर आ गए और एयरपोर्ट की लाइफ यार मज़ेदार है यार, सीरियसली यार इतना मज़ा आ रहा है। मज़ा तो नहीं आ रहा है अभी जब हम लोग गाड़ी से आए ना, बाप रे परेशान हो गए, इस बच्चे ने हमें बहुत परेशान कर दिया। अब देखेंगे फ्लाइट में हम कैसे जा पाते हैं और बाकी आगे का पूरा आपको ब्लॉग दिखाएंगे, तो प्लीज़ बने रहिएगा ओनी धीरज ब्लॉग में। फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के अंदर हैं और ये देखिए कितना बढ़िया माहौल लगता है यार एयरपोर्ट पे, मस्त। और ये जो हमारा दादी है इतना परेशान कर दिया यार, इसने अभी स्टार्टिंग ही हुई है, स्टार्टिंग भी नहीं हुई है और ये देखिए इतना परेशान कर रहा है। ये तो भैया परेशान करे जा रहे हैं, परेशान करे जा रहे हैं ये तो। अब देखते हैं यार बाकी की ट्रिप कैसी रहती है यार। फाइनली हम लोग आ गए हैं चेन्नई एयरपोर्ट। भाई भाई कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हमारे पंकज भाई हैं, ये देखिए ये अलग लगे हुए हैं।
ट्रैवल क्लब लॉन्च। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं अभी ट्रैवल क्लब लॉन्च में एंट्री करने, और क्रेडिट कार्ड पे इसकी एंट्री हो जाती है जिसमें कि सिर्फ मात्र आपके 1 रुपये कटते हैं और बाकी वो भी वापस रिफंड हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी एक फैसिलिटी है ये एयरपोर्ट पे। लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं आए थे है ना, लास्ट टाइम भी अपन यहीं आए थे ना, वो इंटरनेशनल वाला था वो। तो लॉन्च में कैसा लग रहा है आपको, लॉन्च में आके कैसा लग रहा है? ये आप देख तो रही हो कैसा लग रहा है मुझे। 3 घंटे हो गए साथियों मेरे को लॉन्च में मैं बैठा हुआ हूँ, एक इडली खाई है, कॉफ़ी पी थी और ये बच्चे को संभाले हुए हैं। बच्चे ने पूरी बढ़िया से नींद ले ली है, अब मेरी नींद लेने की बारी है। अब मैं जाऊँगा फ्लाइट में, फ्लाइट में आराम से बढ़िया सा नेक पिलो लगा के सो जाऊँगा। देखते हैं कितना सो पाते हो। ऊनी की बारी आएगी। नहीं तो पहले मैं ही तो लिए थी। नहीं तो मैंने लिया ना थी। मैं कितनी देर से ली थी, जब फ्लाइट से उतरे थे बस में फिर वहाँ बैठे थे। तो 3 घंटे मेरे हो गए ना, अब अगले 3 घंटे का मान लो। ठीक है। तो दोस्तों हम लोग लॉन्च में बैठे हैं और यहाँ पे एसी इतना फुल स्पीड में चल रहा है। मैंने एक बार मना भी किया था उनको कि भैया थोड़ा सा एसी कम कर लो, लेकिन यार हम लोग बस पकड़ गए हैं ठंड में यार सबसे। आप देखिए मैंने अपनी जैकेट उतार के नादी को उड़ा दी क्योंकि यार ठंड लग रही थी यार। और वहाँ पीछे बच्चे सो रहे हैं, ये कॉर्नर वाले सोफे पे त्यारा सो रही है और वो पीछे स्वर्णा भाभी हैं वो ओढ़ कर, वो भी बच्चे को गोदी में लेट आई हैं। और पीछे इधर भी फ्रेंड्स लोग थे तो वो उठ के बाहर चले गए, उनको ज़्यादा ठंड लग रही थी, उनके साथ 2 बच्चे थे। तो बच्चे तो सो रहे हैं लेकिन वो दोनों बाहर निकल गए, ठंड लग रही है। और सब लोगों ने एक एक नैप ले लिया बट मैंने ही एक भी नैप नहीं ली है। तो अब देखो अगर टाइम मिला, हम दोनों ने नहीं लिए एक भी नैप, तो अगर टाइम मिला और फ्लाइट में अगर ये सोता रहा तो सो लेंगे, नहीं तो फिर देखेंगे। यार वैसे इसमें नींद नहीं आती क्या? मुझे नींद नहीं आती ऐसे एयरपोर्ट पे इतना सब कुछ, पता नहीं सब कुछ सो लेते हैं बट अपन को नींद नहीं आती। और हमने लॉन्च में इडली सांभर वगैरह खाया है और क्या एक बॉयल एग वो खाया है, कॉफ़ी पी है, और फ्लाइट में भी कॉफ़ी पी थी, इतनी टेस्टी थी, इतनी यम्मी थी यार। तो अभी भी हम लोग फ्लाइट में जाएंगे तो वही वाली कॉफ़ी पियेंगे फिर से। एक इडली मैंने रख ली दादी के लिए, तो अगर वो उठा बाई चांस तो उसको खिला देंगे हम। और बाकी का अब यहाँ से सीधे अपन पहुँचेंगे अंडमान, तो वहाँ पे क्रूज़ रहेगा जो कि हमें पहुँचाएगा हैवलॉक सीधे। और हैवलॉक पे पहुँच के 12:30 तक हम पहुँच के फाइनली अपने होटल में रूम में फिर थोड़ा सा देखते हैं रेस्ट कर भी पाते हैं कि नहीं, क्योंकि बच्चे तब तक पूरे चार्ज हो गए होंगे, अभी सो रहे हैं तो तब तक इनकी बैटरी पूरी चार्ज हो गई होगी। तो फिर अब देखते हैं सोने का मौका मिलता है कि नहीं। बाकी की सारी डिटेल्स देते रहेंगे, अपडेट्स करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।